हेलो गोंडो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, इनका स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले बात गाइस, थैंक यू सो मच इतना ह्यूज, इतना बड़ा रिस्पांस देने के लिए पबजी लाइट के छोटे से टूर्नामेंट के लिए। एंड भाई साहब, लाइक क्या रिस्पांस आए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चैनल से, बट एवरी मतलब हर एक जगह से है। बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर में ये शेयर किया गया है। पबजी लाइट का जो ऑफिशियल एफपी पेज है, वहाँ पे ये शेयर किया गया है कि हम लोग जो है पबजी पीसी लाइट का टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, सोलो एफपीपी। एंड भाई साहब, मैं लिटरली सेइंग गाइस, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था पता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जब मैंने पबजी पीसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया करने की कोशिश कर रहा था, लगभग 38 लोगों ने रजिस्ट्री किया था। तो मैंने सोचा था यहाँ पे पबजी लाइट है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आएंगे वो आएंगे 200 से 300, एंड मैक्स टू मैक्स जो मैंने उम्मीद करी थी वो करी थी 500। ठीक है, तो मैंने सोचा था 500 बंदे आएंगे, 500 यानी कि 5 क्वालिफायर्स हमें करने हैं, 5 क्वालिफायर्स जो है हम लोग एक दिन में कर लेंगे, तो सैटरडे को हमारा क्वालिफायर हो जाएगा एंड संडे को हम लोग फाइनल कर लेंगे। बट एक्सपेक्टेशंस के डबल रजिस्ट्रेशन हुए, लगभग 1000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एंड उसके बाद हमें बोला गया कि भाई अब आप जो है इसको क्लोज कर दो, तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। एंड इट्स नॉट इवन लाइक 10 घंटे में ही लगभग 10,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन आ गए थे, विच वॉज ह्यूज, मतलब वाव। सो बहुत सारे लोग हैं जो पबजी लाइट खेलते हैं। तो गाइज, अब मैं बता देता हूँ होने वाला क्या है यहाँ पे, कि अब जो है थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हैं, चूंकि 1000 के ऊपर लोग हैं। एंड क्वालिफायर्स एक दिन में हम लोग 10 क्वालिफायर्स नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो है अब इसको ब्रेक करेंगे प्रॉब्ली 2 दिन में। ठीक है, हम लोग फ्राइडे एंड सैटरडे को क्वालिफायर्स रखेंगे अब, एंड जो फाइनल होगा, जो फिनाले होगा वो होगा संडे को। तो क्वालिफायर्स फ्राइडे को होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम 8, शाम के 8 बजे हम लोग चालू कर लेंगे। एंड सैटरडे को भी हम लोग शाम के 8 बजे विल स्टार्ट द क्वालिफायर्स, बिकॉज 5-5 क्वालिफायर्स हमें कराने हैं, तो जाके हमें फिनाले के लिए बंदे मिलेंगे। तो सैटरडे का जो क्वालिफायर था एंड जो टाइमिंग था वो अब टोटल चेंज हो गया। अब जो टाइमिंग है वो है फ्राइडे 8 PM एंड सैटरडे 8 PM, एंड डेली हम लोग 5-5 क्वालिफायर करेंगे। एंड जो मैप्स होगा अब मैं वो बता देता हूँ, मैप्स जो होंगे क्वालिफायर्स के लिए वो होंगे सैनहॉक, बिकॉज छोटा मैप है, जल्दी से मैच फिनिश हो जाएगा। एंड जो फिनाले होगा, जो फिनाले वाला जो मैप होगा वो होगा इरेंगल। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग कितनी बार क्वालिफायर्स खेल सकते हैं, तो भाई सिर्फ एक बार ही क्वालिफायर आप खेल सकते हो, उसके बाद नहीं। एक बार आपने टीम वन में अगर आपको क्वालिफायर में आपको जगह मिला है, तो फिर वहाँ पे अगर आप नहीं खेल पाए अच्छे, तो आपको टीम टू में क्वालिफाई करने का वापस मौका नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा मालूम है, कि मान लीजिए आपको टीम वन में मौका नहीं मिला, तो वैसे ही 90 या फिर 95 लोगों को मौका नहीं मिलेगा, फिर वो लोग बोलेंगे हम लोग टीम टू में क्वालिफाई करेंगे, तो ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक बार ही आपको मौका देंगे, दैट्स इट। एंड एक क्वालिफायर में से हम लोग टॉप 6 प्लेयर्स निकालेंगे, जो भी टॉप 6 में रहेंगे उनको हम लोग फिनाले के लिए रखेंगे, या फिर फिनाले के लिए हम उनको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो टॉप 6 जितने बंदे हैं वो सब आगे प्रोसीड करेंगे। एंड पॉइंट सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेरे प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, पॉइंट सिस्टम क्या रहने वाला है, किल सिस्टम क्या रखने वाले हैं। एंड गाइस, वो चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, वो सब डिसाइड हुआ है, कुछ लोगों से हम लोगों ने बात करी हुई है, उसके बाद हम लोगों ने वो पॉइंट सिस्टम एंड वो पॉइंट टेबल रखा हुआ है, तो वो अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 1 किल का आपको 1 पॉइंट ही मिलेगा, एंड जो फर्स्ट आएगा उसको 15 पॉइंट, जो सेकेंड आएगा उसको 9, ऐसा जो पॉइंट टेबल है वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड या सो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैंने बता दिया आप सभी को, कि क्वालिफायर्स फ्राइडे एंड सैटरडे को 8 बजे होगा, फिनाले जो होगा वो होगा संडे को 9 बजे। एंड क्वालिफायर्स में हम लोग यूज़ करने वाले हैं सैनहॉक मैप, दोनों क्वालिफायर्स में, फ्राइडे एंड सैटरडे क्वालिफायर्स में, वेर इन ऑन संडे जो फिनाले होगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इरेंगल का मैप। ठीक है, एंड बाकी की जितने भी डिटेल्स वगैरह है, जो आपको आईडी एंड पासवर्ड आएगा वो आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। 8 को अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आधे घंटे पहले 7:30 को जो है हम लोग आपको मेल कर देंगे, ईमेल कर देंगे आईडी एंड पासवर्ड, तो आप लोग अपना अपना रूम ज्वाइन कर लीजिए। गाइज, प्लीज़ डू नॉट शेयर दिस विथ एनीबडी एल्स, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू टीम अप। अगर किसी ने भी टीम अप करने की कोशिश करी तो मैं उन दोनों को डिसक्वालीफाई कर दूंगा। ठीक है,
सो गाइस ह्यूज थैंक यू टू यू ऑल गाइस कि भाई आप लोगों के कारण इतना बड़ा मतलब इतना छोटा सा टूर्नामेंट इतना बड़ा रेस्पॉन्स मिला है. एंड होपफुली जब हम इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने चैनल पे, हम लाइव स्ट्रीम जो भी है क्वालिफायर्स एंड फिनाले वो हम इसी चैनल पे करने वाले हैं. एंड हम लोग जो है कल से थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, वो होगा हमारे सेकेंडरी चैनल पे. ठीक है, तो जो कंट्रोल लाइव है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंट्रोल लाइव पे जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग मौका देंगे. वहाँ पे हम लोग कस्टम्स वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कल से. सो या वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर ह्यूज रिस्पॉन्स. या आई नो मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं साउंड की दिक्कत है, बट यार मैं बस ट्राई कर रहा था बिकॉज पबजी पीसी लाइट बहुत सारे लोगों के पास है, तो मैं बस ट्राई कर रहा था एंड रिस्पॉन्स अच्छा आया है. एंड होपफुली हम लोग इन फ्यूचर डुअल्स एंड स्क्वाड का भी करेंगे, एंड साथ में जो है हम लोग सीएस गो ओवरवॉच वगैरह हो गया जितने भी अदर गेम्स हैं हम लोग उनका भी क्वालिफायर्स वगैरह करने की कोशिश करेंगे एंड टूर्नामेंट वगैरह करने की कोशिश करेंगे. एंड साथ में पबजी मोबाइल एफपीपी ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है बिकॉज एफपीपी आजकल कोई टूर्नामेंट नहीं कर रहा था, मैं एफपीपी टूर्नामेंट कराने की सोच रहा हूँ पबजी मोबाइल का. ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि जितने भी हमें स्पॉन्सर मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इफ देयर इज एनीवन जो हमें स्पॉन्सर करना चाहता है वो मुझे डिस्कॉर्ड पे आके मेरे से बात कर सकता है नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, अगर कोई भी लाइक स्पॉन्सर करना चाहता है तो. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस एज ऑलवेज, पीस आउट.